कोर्ट में चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा की सरप्राही में जजेस जो आला सतह इजलास जारी। आम चूंडन बाबत केस अजु ही हंगामी बुनियादन से बुधण जो इम्कान। जजेस इजलास का पेरा चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर विच में मुलाकात। मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक जस्टिस एजाज लहसन अटॉर्नी जनरल भी शरीक। इलेक्शन कमीशन पारा लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जो इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के जरियन जो चवण है तो इलेक्शन कमीशन की अपील से अज ही बेचोड़ी बींदी। पीपी नून लीग काफ लीग इस्तकाम पाकिस्तान पार्टी जो इलेक्शन केस में धुर भरजण जो फैसलो। लाहौर हाई कोर्ट आम चूंड लाए कामुरन की खिदमत खिलाफ बुधणी लाए लार्जर बेंच जोड़े छड़ी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरब्राही में पंज रुकनी लार्जर बेंच 18 दिसंबर से केस बुधणी कंदी। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच चूंड लाए ब्यूरोक्रेसी की खिदमत जो इलेक्शन कमीशन जो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर छो। अगूड़े जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामी के नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगूड़े चीफ जस्टिस अनवर काजी और रजिस्टर आरर अरबाब आरिफ के भी नोटिस जारी कर छिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रिमार्क्स दिन तो शौकत अजीज सिद्दीकी जेके संगीन इल्जाम मड़िया तिन जा नतीजा भी संगीन हुंदा। शौकत सिद्दीकी का पुछा कई वे तो संदस तकरीर में लगल इल्जाम दुरुस्त आन। एक शख्स के बाहर इन कर रखो वो है तो पसंदीदा उम्मीदवार खटे वे जे जनरल की सहूलतकारी कर रहा हुआ वह केर हो। अदालत बुधड़ी सियारे की मोकल तुलतवी कर छी। काब अदालत कश्मीरन खां संदन हक नथी कसे सके। वाला जल कश्मीर बाबत को भी एक तरफो कदम कें भी सूरत में कबूल ना है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर जी मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस चयाई। गजल कौमन के ठहराव तहत कश्मीरन के खुददारियत डिनी वे। कश्मीरन जो फैसलो गजल कौमन के ठहराव मौजूब थे घुर्ज। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो अमरीका के अहम हुकूमती और फौजी अमलदारन से मुलाकातू। बेतरफन लागापन इलाकई सलामती और आर्मी तकरार के हल बाबत ख्याल की डेवत थी। आईएसपीआर मूजिब आर्मी चीफ मुलाकात दौरान कश्मीर मसले के गडियल कौमन के ठहराव तहत हल कर अहमियत के उजागर कर। जनरल आसिम मुनीर अमरीकी अस्करी और सियासी क्यादत से भी मुलाकातू कर। खैबर पख्तूनख्वा के बिन जिलन में दहशतगर्दन जा हमला 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। 7 जड़ा जख्मी। टांक में पुलिस लाइन से आपघाती हमलों 2 पुलिस एहलकार शहीद 2 जख्मी। एक दहशतगर्द पान के धमाके से उड़ाए छो। डीपीओ टांक मौजूद पुलिस दहशतगर्दी को वो हमलो नाकाम बनाया है। बाड़ा में दहशतगर्दन जो नाला ज्वाइंट पोस्ट से बमन से हमलो 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद थी वह 5 जवान जख्मी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में घटताई खापोए पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम शयन के अगन में लात जो इम्कान। पेट्रोलियम इसमें की कीमतों में तब्दीली जो ऐलान अज कर दी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अगन में तब्दीली की मंजूरी दी। पेट्रोल 10 रुपया और डीजल 12 रुपया सस्तों थे जो इम्कान। इसराइली बर्बरियत जारी। दखण और उत्तर गजा से फिजाई हमला 29 फलस्तीनी शहीद। 24 कलाकन में 180 फलस्तीनी शहीद 303 जख्मी थी पया। इसराइली फौज के खान यूनिस और रफे से मुसलसल बमबारी। इसराइली फौज के हमलन में लगभग 19,000 फलस्तीनी शहीद थी चुका। सिंध में यूरिया भांजी कोर्ट खिलाफ आबादगार सिंध हाई कोर्ट पहुंची गया। दरख्वास्त दाखिल अदालत वफाकी हुकूमत सिंध सरकार और 5 डिविजनल कमिश्नर बेन लागापियल धुरन खान नोटिस जारी कर छिया। 10 जनवरी से जवाब तलब। छा हुकूमत यूरिया भाणे की फरहमी लाए कोटा मुकर करे थी। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी जो पुछाणो।
हुकूमत हाणे छे पैदावार ते खानगी कंपनियों के सब्सिडी आई एग्रो यूरिया आई फातिमा लिमिटेड के सस्ती गैस फराहम कर रही है। इन वक्त सजी सिंध में भाणे की फरहमी न होने के बराबर है। 3,400 रुपये की बोरी 5,500 रुपये में ब्लैक से विक्रो थी रही है। आबादकार के वकील जो अदालत में मौके। कराची में गैस पाइपलाइन फाटल सबब जख्मी थे औरत अस्पताल में फोत। बजड़ा जख्मी नीपा पुल वेझो गैस पाइपलाइन धमाके से फाटल सबब औरत समेत टे जड़ा जख्मी थी पाया। फोती औरत जी एनी थी अशोक के नाले से सुना। कानपुर बरसा इंडस हाईवे था हथियारबंदन हथा जानी यरकमाल घोट समेत जानियन का फुर लुट। मुतासर एहतजाज कंदे इंडस हाईवे ब्लॉक कर ट्रैफिक मुतल। पुलिस खिलाफ नारेबाजी एहतजाज कंदड़न जो फुर थियल रकम सोना सेवर ए बो सामान वापस कराए जवाबदार के गिरफ्तार करने जो मुताल। ओलंदी हवान जो सिलसिलो अज मुल्क ते असरअंदाज थियण जो इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक में बरसात की अग कती। मौसमियाती खाते जो चवण है तो सुभाने का 18 दिसंबर तक पंजाब और खबर पख्तूनख्वा में बरसात और जबलन से बर्फबारी पैची सकी थी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाक भारत मैच न्यूयॉर्क में कराण से इतफाक। आईसीसी आई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी विच में तय थी वो पाकिस्तान भारत मैच एजन हावर्ड स्टेडियम में खेली वेंदी।